बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरसलान जमील एंड आई एम वर्किंग एज एस एस कंप्यूटर साइंस इन डीपीएस साहिवाल। टुडे दिस इज़ आवर अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2, डाटा टाइप्स असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। एंड टुडे आवर टॉपिक इज बेसिक कमांड्स RMDIR, रन, सेव, सिस्टम, कॉन्टिन्यू। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर, वी आर गोइंग टू रिव्यू सम प्रीवियस नॉलेज। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमने अपने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़े थे उनको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, हमने बेसिक लैंग्वेज के मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। हमने टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़े थे, एक डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। तो डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि डायरेक्ट मोड में आपकी कमांड जो है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे ही आप कमांड को टाइप करते हैं और इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आपकी कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाती है और वो स्क्रीन से उमीट भी हो जाती है, और डायरेक्ट मोड में आपका रिजल्ट भी जो है वो इमीडिएट आ जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है कि इनडायरेक्ट मोड में आपकी कमांड जो है वो आपको पूरा प्रोग्राम टाइप करना पड़ता है, और उसके बाद जो है प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए आप एंड स्टेटमेंट टाइप करते हैं, और प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए आप रन की कमांड टाइप करते हैं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। और मोस्टली जो प्रोग्रामिंग है वो हम डायरेक्ट मोड में करते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, उसके बाद में देखा था कि हम GW बेसिक के अंदर एक प्रोग्राम को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। GW बेसिक में आपके पास बेसिकली लाइन नंबर्स होते हैं, लाइन नंबर्स पे जो है वो आप स्टेटमेंट टाइप करते हैं और वन बाय वन जो है स्टेटमेंट जो है तो वो मिलके एक प्रोग्राम जो है वो उससे डिज़ाइन हो जाता है आपका। और हमने देखा था कि आप एक लाइन के ऊपर जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो टाइप कर सकते हैं, और हर स्टेटमेंट को आपको कॉलम से सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि हम GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम को सेव किस तरह कर सकते हैं। GW बेसिक में प्रोग्राम को सेव करने के लिए आपको सेव की कमांड जो है वो टाइप करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है प्रोग्राम का नेम डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि हम ऑलरेडी जो हमारा एक प्रोग्राम सेव हो चुका है उसको लोड किस तरह कर सकते हैं। लोड करने के लिए हमें जो है वो लोड की कमांड टाइप करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो जो ऑलरेडी सेव प्रोग्राम है उसका नेम जो है डबल कोट्स के अंदर जो है वो हम टाइप करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम, और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम लोड हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि हम एग्जीक्यूट किस तरह कर सकते हैं एक प्रोग्राम को। तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोग्राम को आपको जो है प्रोग्राम को लोड करने के बाद रन की जो है वो कमांड टाइप करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है जब हम इंटर प्रेस करते थे हमारा एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता था। उसके बाद हमने जो है वो करैक्टर से देखा था बेसिक लैंग्वेज का। बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो है आप कौन कौन से करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो है आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और नंबर्स जो हैं वो 0 से 9 तक जो है और उनका कम्बिनेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, अपर केस अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो है कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इक्वल का साइन है, प्लस का साइन है, माइनस है, मॉडुलस का साइन है, एम्परसन का है। उसमें हमारे पास मल्टीपल जो है स्पेशल करेक्टर्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो किन को कहते हैं। रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका GW बेसिक के अंदर कोई स्पेशल मीनिंग होता है, और वो इसी पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, और आप जो है वो किसी और पर्पज़ के लिए जो रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते, और रिजर्व वर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल भी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली नेम्ड मेमोरी लोकेशंस को कहते हैं, जो आपकी इनपुट को भी सेव करती है उसमें, और जो है और उसी में जो आपका रिजल्ट भी जो है वो सेव रहता है। और वेरिएबल जो है वेरी करने से निकला है, और जिसका मतलब है चेंज। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कभी सेम नहीं रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है।
उसके बाद हमने रूल्स ऑफ फॉर नेमिंग वेरिएबल्स देखे थे, कुछ में हमने कुछ रूल्स देखे थे वेरिएबल के नेम को डिसाइड करने के लिए। उसमें हमने रूल देखा था कि मैक्सिमम जो है वेरिएबल का नेम 40 कैरेक्टर्स जो है वो हो सकता है, और वेरिएबल का नेम जो है हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, और वेरिएबल का जो नेम है उसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और नंबर्स भी आ सकते हैं। इसी तरह जो है वो कुछ और रूल्स जो है हमने वेरिएबल नेमिंग के देखे थे। उसके बाद हमने बेसिक कमांड्स देखी थी। ऑटो कमांड जो है वो बेसिकली डायरेक्ट मोड को इनडायरेक्ट मोड में चेंज करने के लिए यूज होती है। क्लियर कमांड जो है वो किसी भी लोडेड प्रोग्राम को जो है वो और लोडेड प्रोग्राम को जो है वो क्लियर कर देती है मेमोरी से। उसके बाद सीएलसी कमांड जो है वो क्लियर स्क्रीन करती है, जो भी आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो भी आपके पास टाइप होता है वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमने कुछ और बेसिक कमांड देखी थी, जिसमें डिलीट की कमांड थी। डिलीट की कमांड जो है कोई भी फाइल जब आपने डिलीट करनी है तो वो डिलीट की कमांड हम यूज करते थे। उसके बाद एडिट की कमांड जो है, अगर आपकी किसी लाइन में प्रोग्राम लाइन में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको हमने एडिट करना है, तो हम एडिट को एडिट जो है वो उसकी कमांड यूज करते थे। उसके बाद लिस्ट की कमांड जो है वो जो है आपके लोडेड प्रोग्राम को जो है उसकी लाइंस को लिस्ट कर देता था। और ये कुछ हमने जो है वो कमांड जो है बेसिक की हमने देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बेसिक कमांड से ही रिलेटेड है, और इसमें जो है सबसे पहली कमांड जो है वो RMDIR की है। आइए हम देखते हैं कि ये कमांड जो है वो क्या करती है बेसिक के अंदर। RMDIR कमांड, दिस कमांड इज यूज टू रिमूव डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम अ डिस्क। जब आपने कोई डायरेक्टरी को रिमूव करना हो तो हम जो है RMDIR की कमांड को यूज करेंगे। अगर कोई फाइल को डिलीट करना था तो हमने डिलीट की कमांड देखी थी, लेकिन जब हमने डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो हम RMDIR की कमांड को यूज करेंगे। आइए हम देखते हैं इसका साइंटिक्स क्या होगा। RMDIR और उसके बाद जो है पाथ नेम है। RMDIR का जो वर्ड जो है वो लिखने के बाद आप जो है पाथ नेम या जो आपकी डायरेक्टरी का नेम है वो आप इधर लिख देंगे। इंटरप्रिटेशन, द पाथ नेम इज द पाथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी विच शुड नॉट एक्सीड 63 कैरेक्टर्स। जो जो पाथ नेम है जो इसके साइंटेक्स में आपको लिखा नजर आ रहा है, ये एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी का नेम होगा जो 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 मैक्सिमम जिसकी जो नेम है वो 63 कैरेक्टर्स का होगा, इससे ज्यादा का ये नहीं हो सकता। द डायरेक्टरी टू बी डिलीटेड मस्ट बी एम्प्टी, अदरवाइज एन एरर मैसेज विल अपियर। जिस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो एम्प्टी होना जरूरी है। अगर उसमें कोई फाइल पड़ी होगी तो RMDIR कमांड जो है वो एरर मैसेज जनरेट कर देगी। एग्जाम्पल्स ऑफ RMDIR कमांड, आइए हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, RMDIR कोट्स डबल कोट्स डी कॉलन स्लैश गुड्स स्लैश इन्वेंटोरी कोट्स एंड। आइए हम देखते हैं कमांड क्या करेगी। डिलीट्स द सब डायरेक्टरी इन्वेंटोरी ऑफ द डायरेक्टरी गुड्स। जो हमारे पास डी के अंदर गुड्स की डायरेक्टरी है उसकी जो सब डायरेक्टरी इन्वेंटोरी है उसको ये डिलीट कर देगी। एग्जाम्पल ऑफ RMDIR कमांड यूजिंग GW बेसिक, आई एम जो है वो RMDIR की जो कमांड है हमारी उसको GW बेसिक में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखिएगा हमारे पास जो है वो हमारी GW बेसिक की ID जो है हमारे पास वो ओपन हो चुकी है। अब हम जो है इसको इंडेक्स मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंडेक्स मोड में कन्वर्ट करेंगे, हम ऑटो की कमांड टाइप करेंगे और ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स मोड इसका स्टार्ट हो गया है। इंडेक्स मोड का कैसे आपको पता चलता है कि आपके पास जो है वो लाइन नंबर्स जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो आप अपनी जो डायरेक्टरी है उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हैं। इसके लिए जो है हमारे पास जो कमांड है वो फाइल्स की है,
ये देखिएगा हमारे पास जो है, हमारी डायरेक्टरी के अंदर जो है डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स जो है वो आ चुके हैं। हम एक हमारे पास जो कंट्रोल का फोल्डर है, अब हम इसको डिलीट करके देखते हैं कि हम इसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको डिलीट करने के लिए हम RMDIR की कमांड को यूज करेंगे और उसके बाद जो है फोल्डर का नेम डबल कोट्स में जो है वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम जो है वो इंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा हमारे पास जो है कंट्रोल का फोल्डर जो है वो डिलीट हो चुका है। अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि हम जो हमारे पास जो है कंट्रोल का फोल्डर डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए हम फिर फाइल्स की कमांड जो है वो यूज करेंगे। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल का फोल्डर नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो कंट्रोल का फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो ये एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल थी RMDIRT। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है रन की कमांड। रन की कमांड क्या करती है वो हम देखते हैं। रन कमांड, दिस कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी। इफ प्रोग्राम इज नॉट इन द मेमोरी इट फर्स्ट लोड एंड देन रन इट। ये कमांड जो है वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। जो आपकी मेमोरी के अंदर करंटली प्रोग्राम होगा ये उसको एग्जीक्यूट करेगी। अगर तो प्रोग्राम लोड नहीं होगा तो ये फर्स्ट लोड करेगी, फिर जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। रन लाइन नंबर और नेक्स्ट जो है वो कॉमा के बाद आर है। रन फाइल नंबर और फिर उसी तरह कॉमा के बाद आर। इसकी इंटरप्रिटेशन, बाय डिफॉल्ट द रन कमांड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द बिगनिंग। अगर तो आप सिंपल रन कमांड लिखेंगे तो जो आपकी प्रोग्राम की बिगनिंग से जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी। इफ लाइन नंबर इज स्पेसिफाइड देन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर लाइन नंबर। अगर आप लाइन नंबर मेंशन करेंगे तो जो है रन की कमांड जो है वो उस पर्टिकुलर लाइन नंबर से जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी आपके प्रोग्राम को। When file name is specified with run command, it closes all the open files and deletes all memory contents before loading and executing the specified file from the disk. अगर आप run की command के साथ file name लिखेंगे तो जितनी भी open file होंगी वो सारी memory से delete हो जाएंगी और उस फाइल को ये प्रोग्राम में जो है उस फाइल को ये GW बेसिक में लोड करेगी रन की कमांड और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी। द आर ऑप्शन इज यूज टू कीप ऑल डेटा फाइल्स ओपन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ रन कमांड। जो आर ऑप्शन जो है वो क्या करता है कि वो जितनी भी डेटा फाइल जो आपने प्रोग्राम लोड किए हुए हैं अपने GW बेसिक में वो सारे के सारे उनको वो ओपन रखता है, उनको मेमोरी से डिलीट नहीं करता। एग्जाम्पल ऑफ रन कमांड, रन और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर table.bs और उसके बाद कॉमा डाल के आर। आई हम देखते हैं कि इस ये जो कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगी। एग्जीक्यूट table.bs विदाउट क्लोजिंग डाटा फाइल्स। ये table.bs को एग्जीक्यूट कर देगी किसी भी डाटा फाइल को क्लोज किए बगैर। इफ यू आर यूजिंग द स्पीकर ऑन द कंप्यूटर प्लीज नोट दैट एग्जीक्यूटिंग रन कमांड विल टर्न ऑफ एनी साउंड दैट इज करंटली रनिंग। अगर आप जो है कंप्यूटर के ऊपर स्पीकर जो है वो यूज कर रहे हैं या आपने कोई सॉन्ग वगैरह लगाया हुआ है तो जो भी साउंड है वो ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप रन की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रन कमांड इन GW बेसिक, आइए जो हमारे पास जो रन की कमांड है वो हम जो है GW बेसिक में इम्प्लीमेंट करके देखें। अभी देखिएगा हमारे पास जो है वो है GW बेसिक की ID ओपन हो चुकी है। हमारे पास दो सैंपल्स प्रोग्राम पड़े हुए हैं जो हमने पहले से जो है वो सेव किए रखे हुए हैं, आइए उनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे एक प्रोग्राम का नेम MULT.ds है और दूसरे प्रोग्राम का नेम DIF.DAS है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम मेमोरी के अंदर जो है हमारी डायरेक्टरी के अंदर वो मौजूद है या नहीं है। सबसे पहले आप फाइल्स की कमांड को
हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिएगा हमारे पास जो है एक डिव डॉट बी एस और एक MULT डॉट बी एस दो प्रोग्राम जो है हमारे पास जो है वो पहले से हमने जो है वो बना के रखे हुए हैं। तो आइए हम जो है वो इनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इनको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं रन जो है वो टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो डबल कोट्स में इनका नेम टाइप कर दूंगा मैं जो है वो मल्टीप्लाई या MULT डॉट बी एस को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिएगा हमारा जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले मेमोरी में लोड हुआ और उसके बाद जो है एग्जीक्यूट हो गया। अब ये इनपुट कहाँ गया, तो मैं इसको इनपुट देता हूँ और उसके बाद अगली इनपुट। अब देखिएगा हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होकर जो हमारी दो इनपुट्स थी उनका आंसर आ गया। तो देखिएगा हमने जो है बड़ी सिंपल सी जो है वो एग्जाम्पल देखी रन कमांड की GW बेसिक के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है सेव की कमांड। आइए हम देखते हैं कि ये सेव की कमांड क्या करती है। सेव कमांड, दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज। ये बेसिकली आपका प्रोग्राम जो है वो आपकी जो है डिस्क हार्ड डिस्क उस पर सेव कर देती है ताकि उसको आप बाद में यूज कर सकें। इसका साइंटिक्स अब देखते हैं। साइंटिक्स सेव फाइल नेम कॉमा उसके बाद कॉमा ए सेव फाइल नेम कॉमा उसके बाद कॉमा पी। आइए हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इंटरप्रिटेशन, बाय डिफॉल्ट GW बेसिक सेव द फाइल इन कंप्रेस्ड फाइनल फॉर्मेट। जब GW बेसिक अगर आप बाय डिफॉल्ट सिर्फ सेव की कमांड ओनली यूज करें तो वो कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेव होती है। इफ ऑप्शन ए इज स्पेसिफाइड द फाइल इज सेव्ड इन ASCII फॉर्मेट। अगर आप सेव की कमांड के साथ ऑप्शन ए जो है वो इसका सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे तो वो जो फाइल सेव होगी वो ASCII फॉर्मेट में सेव होगी। द ऑप्शन पी सेव द फाइल इन एन इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट प्रोटेक्टेड फॉर्मेट। वी कैन नॉट लिस्ट और एडिट फाइल सेव इन प्रोटेक्टेड फॉर्मेट। जो अगर आप ऑप्शन पी यूज करेंगे तो आपकी जो फाइल सेव होगी वो प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में सेव होगी या इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में सेव होगी। जो प्रोटेक्टेड फॉर्मेट है उसमें जो फाइल सेव होंगी उसको आप ना लिस्ट कर सकते हैं और ना ही उसको एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेव कमांड, सेव डबल कोट्स मैट्रिक्स डॉट बी एस कॉमा ए। आइए जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखते हैं ये क्या करेगी। सेव द फाइल मैट्रिक्स डॉट बी एस इन ASCII फॉर्मेट। अगर आप ऑप्शन ए साथ यूज करेंगे तो आपकी जो फाइल है मैट्रिक्स डॉट बी एस वो ASCII फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। सेव मैट्रिक्स डॉट बी एस कॉमा पी। आइए हम देखते हैं कि जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगी। सेव द फाइल मैट्रिक्स डॉट बी एस इन इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट। फाइल सेम है, सिर्फ जो है ऑप्शन हमने चेंज किया है। ऑप्शन चेंज करने से जो है हमारी जो फाइल ये है वो इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट या प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में सेव होगी। एग्जाम्पल ऑफ सेम कम सेव कमांड, एग्जाम्पल ऑफ सेव कमांड इन GW बेसिक। आई हम जो अपनी सेव कमांड की कुछ एग्जाम्पल जो है वो GW बेसिक के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखिएगा हमारे पास जो है वो GW बेसिक की आईडी ओपन हो चुकी है। अब हम जो है वो एक सैंपल जो प्रोग्राम है उसको जो है वो टाइप करते हैं और उसको फिर हम जो है वो सेव करवा के देखते हैं। सबसे पहले हम जो है अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट ले लेते हैं और उसको हम उसमें इनपुट लेते हैं हम W वेरिएबल के अंदर और उसके बाद दोबारा हम इनपुट ले लेते हैं और वो इनपुट लेते हैं हम जो है वो ई वेरिएबल के अंदर और फिर हम जो है एक वेरिएबल एस लेते हैं और इसमें जो है डब्ल्यू माइनस ई का रिजल्ट जो है सेव करवा देंगे और इसको हम फिर प्रिंट करवा देते हैं एस को और अपने प्रोग्राम को फिर हम फाइनलाइज करने के लिए इसको एंड कर देते हैं। अब हम जो है वो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव लिखने के बाद जो है हम जो है इस प्रोग्राम को फिर नेम दे देते हैं सब डॉट बी एस। इसके लास्ट में देखिएगा एक्सटेंशन मैंने बी एस जो है इस वजह से रखी है क्योंकि जितनी भी आपकी बेसिक की जितनी भी फाइल्स होंगी प्रोग्राम फाइल्स वो सारी की सारी जो है वो डॉट बी एस की एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। उसके बाद हम
डबल कोट्स के साथ, और उसके बाद जो है ऑप्शन ए जो है इसके लिए चूज करते हैं। तो देखिएगा हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है, और ये हमारी फाइल जो है वो ASCII फॉर्मेट के अंदर सेव हुई है। अब हम देखते हैं कि हमारी फाइल सेव हो चुकी है कि नहीं हुई। तो हम जो है फाइल्स की कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास जो है वो हमारी फाइल sub.bs जो है वो हमें नजर आ रही है। तो ये देखिएगा, तो इस ये देखिएगा हमने जो है वो एक सिंपल सी एग्जांपल सेव कमांड की वो इंप्लीमेंट करके देखी GWBC के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है सिस्टम कमांड। सिस्टम कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम जीडब्ल्यू बेसिक एंड रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। ये सिस्टम कमांड जब आप टाइप करेंगे तो क्या करेगी, क्योंकि ये जीडब्ल्यू बेसिक का जो आपका एनवायरनमेंट है उससे वो आपको एग्जिट कर देगी और आपको कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो उस पर ले आएगी। इसका हम साइंटिक्स देखते हैं। साइंटिक्स, आप साइंटिक्स का बड़ा सिंपल सा है, आप सिर्फ सिस्टम टाइप करेंगे तो उसके बाद ये कमांड जो, उसके बाद इंटरप्रेस करेंगे तो आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कमांड, सिस्टम टाइप इन डायरेक्ट मोड, आपने सिर्फ सिस्टम का जो वर्ड है वो टाइप करना है और उसके बाद जो है वो आपकी कमांड जो है वो उस इंटरप्रेस करेंगे तो आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपके आपका जो जीडब्ल्यू बेसिक का एनवायरनमेंट है उससे आप एग्जैक्ट होके आप जो है वो अपने कमांड लाइन इंटरफेस पे चले जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कमांड, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम कमांड इन जीडब्ल्यू बेसिक, आई एम जो है वो अपनी सिस्टम कमांड को जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर इंप्लीमेंट करके देखिए। अभी देखिएगा हमारे पास जो है वो अपनी जीडब्ल्यू बेसिक की आईडी ओपन हो चुकी है। इसमें हम जो है जब हम जीडब्ल्यू बेसिक की जो आईडी हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास इसका डिफॉल्ट मोड होता है वो हमारे पास जो है डायरेक्ट मोड ही होता है। तो हम इसमें जो है वो सिस्टम कमांड को एग्जीक्यूट करते देखते हैं। आपने सिस्टम का कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सिर्फ जो है वो सिस्टम का वर्ड टाइप करेंगे और उसके बाद जो है इंटरप्रेस करेंगे तो देखिएगा आपका जो है वो आप जो है वो जीडब्ल्यू बेसिक के एनवायरनमेंट से जो है वो एग्जिट हो चुके हैं और आपका कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो है आप इसका ऐसे पता चलता है कि आप जो है वो आपके पास सी कॉलन उसके बाद जो है वो स्लैश और उसके बाद जो है ग्रेटर देन के साइन, इसके मतलब है कि आप सी ड्राइव के अंदर हैं और जो है आप जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस की कोई भी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करके दे सकते हैं कि आपके पास जो है कमांड लाइन इंटरफेस की जो कमांड DIR है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है कंटिन्यू कमांड, और इसको हम शॉर्ट में जो है वो कॉन्ट लिखते हैं। कॉन्ट कमांड ये कंटिन्यू कमांड, दिस कमांड इज यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर ब्रेक। अगर आपके प्रोग्राम में ब्रेक है या स्टॉप है तो अगर आपने प्रोग्राम जो है दोबारा कंटिन्यू करवाना है तो उसी प्लेस से जो है आप कंटिन्यू टाइप करेंगे तो आपकी कमांड आपका जो प्रोग्राम है वो उसी प्लेस से जो है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। साइंटिस्ट हम का देखते हैं CONT कॉन्ट, सिर्फ जो है वो कॉन्ट का जो है वो कीवर्ड जो है वो टाइप करेंगे। आइए हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटिन्यू कमांड, रिज्यूम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर कंट्रोल ब्रेक स्टॉप्स हार्ट्स अ प्रोग्राम। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाता है या कंट्रोल ब्रेक से जो है वो रुक जाता है तो आपने जो कैसे आप उसको कंटिन्यू करेंगे, तो आप जो है वो कंटिन्यू कमांड के जरिए उसको रिज्यूम कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू एट द पॉइंट वेयर ब्रेक हैपेंड, जहां से आपका प्रोग्राम ब्रेक हुआ होगा, जहां पे स्टॉप हुआ होगा, उसी पॉइंट से जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन दोबारा से प्रोग्राम की स्टार्ट हो जाएगी। इफ ब्रेक हैपेंड ड्यूरिंग इनपुट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू आफ्टर रीप्रिंटिंग द प्रॉम्प्ट। अगर इनपुट स्टेटमेंट के दौरान जो है आपका जो है ब्रेक आता है तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉम्प्ट के दोबारा रीप्रिंट होने से ही जो है आपकी एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम की स्टार्ट हो जाएगी। काउंट इज यूजफुल इन डीबगिंग, जो आपके पास कंटिन्यू कमांड है वो डीबगिंग के लिए जो है वो यूजफुल है, क्योंकि जो है आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो मिस्टेक्स को क्लियर कर सकते हैं अपनी
जो है वो कॉन्ट कमांड के जरिए आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं और ब्रेक पॉइंट को जो है वो दोबारा कंटिन्यू कमांड के जरिए जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ प्रोग्राम लाइन इज मॉडिफाइड कॉन्ट विल बी अनवैलिड। अगर आप जो है किसी प्रोग्राम की लाइन को मॉडिफाई कर दें तो आपकी कंटिन्यू कमांड जो है वो इनवैलिड हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू कमांड, आइए हम जो है वो एक सैंपल प्रोग्राम के जरिए कंटिन्यू कमांड को GW बेसिक में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखिएगा हमारे पास GW बेसिक की जो आईडी है वो ओपन है और इसमें हम जो है प्रोग्राम जो है वो टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं एक वेरिएबल ए बी और सी में, और उसके बाद जो है वो हम एक और वेरिएबल लेते हैं और उसमें ए माइनस टू मल्टीप्लाई 5.3 कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम एक और स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें L इज इक्वल टू B प्लस थ्री डिवाइडेड बाय 0.26 कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम इधर जो है वो स्टॉप की स्टेटमेंट जो है वो टाइप कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर और उसके बाद जो है हम अगली लाइन के ऊपर m इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय k प्लस 100 की स्टेटमेंट टाइप कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम m को प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद जो है अपने प्रोग्राम को एंड कर लेते हैं। अब ये देखिएगा हम इसको रन करते हैं जब, तो सबसे पहले वो हमारे पास वो है इनपुट डिमांड कर रहा है तो हम इनपुट ले लेते हैं 1, 2 एंड 3 और उस पर देखिएगा उसने कहा कि हमारे पास जो लाइन 40 है वहां पे ब्रेक आ गया। वहां पे क्यों ब्रेक आ गया है? क्योंकि वहां पे हमने जो स्टॉप की स्टेटमेंट जो है वो हमने टाइप की थी। तो आप जो है हम अगर हमने अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करना है तो हम किस तरह कंटिन्यू करेंगे, तो हम कंटिन्यू किस तरह करेंगे? हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए कॉन्ट की स्टेटमेंट टाइप करेंगे तो उसके बाद देखिएगा हमारे पास जो है प्रिंट होके बाकी जो दो स्टेटमेंट्स रहती थी हमारी वो प्रिंट होके हमारे पास उनका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो एक सिंपल से प्रोग्राम के जरिए हमने जो है वो अपने कंटिन्यू स्टेटमेंट थी उसकी जो है वो एग्जांपल देखी। आइए हम अपने लेसन को रिकैप्चुलेट करते हैं। बेसिक कमांड RMDIR, सबसे पहले जो हमने कमांड देखी RMDIR की, ये कमांड क्या करती है कि ये जो है वो तो किसी भी डायरेक्टरी को जो है वो डिलीट करने के लिए यूज होती है, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज होती है और इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टरी का जो है वो एम्प्टी होना जरूरी है। बेसिक कमांड रन, ये कमांड क्या करती है, कमांड जो है वो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। इसमें जो है अगर आपके पास वो प्रोग्राम पहले से रोड नहीं है तो रन कमांड के आगे जो है डबल कोट्स में प्रोग्राम का नेम लिखेंगे तो ये कमांड सबसे पहले उसको लोड करेगी और उसको फिर एग्जीक्यूट कर देगी। उसके बाद बेसिक कमांड सेव, ये कमांड जो है वो प्रोग्राम को सेव करने की हमारे पास यूज होती है। आप जो प्रोग्राम को ASCII फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और आप प्रोग्राम को इनकोडेड बाइनरी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। बेसिक कमांड सिस्टम, ये बेसिकली आपके GW बेसिक के एनवायरमेंट से एग्जिट करके आपको कमांड लाइन इंटरफेस पर ले जाती है। बेसिक कमांड कंटिन्यू, ये कंटिन्यू कमांड जहाँ पे आप
अब आपने प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं या आप उसको उसको ब्रेक देते हैं, तो अपने प्रोग्राम को जब आपने दोबारा से उसको उसी पॉइंट से कंटिन्यू करवाना है, तो आपको काउंट की कमांड जो है, कंटिन्यू कमांड वो यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और उसका पार्ट 6 और उसके सब पार्ट FIJ को आपने जो है वो अपनी कॉपीज पे लिखना है और उसको जो है वो याद भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।